हाँ गाइस, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आप इस वीडियो में क्यों आए हैं और आप सोच रहे होंगे कि मेरी भी आवाज इतनी ऑर्डिनरी साउंड क्यों कर रही है। वेट, मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको मेरी आवाज कैसी लग रही है? तो आया ना वो मेरी आवाज में बेस क्रिस्पिनेस जो 10-10, 20-20 हजार के माइक्स में आते हैं। यस गाइस, आप कोई भी बेसिक माइक, लेकिन उसमें यूएसबी होना चाहिए, तभी ओबीएस उसको डिटेक्ट कर पाएगा। ऑक्स वाला नहीं, यूएसबी वाला, ये बात हमेशा याद रखना। और मैं कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव माइक यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं फाइफाइन का टी सीरीज यूज कर रहा हूँ जो इजिली आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएगा। और ये एक है कंडेंसर माइक। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना गाइस, ताकि आपकी भी आवाज इतनी बेस इतनी क्रिस्पीनेस वाली हो जाए। बाद में मत बोलना कि आपको वैसी आवाज नहीं मिली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिल्कुल बेसिक माइक है, बिल्कुल 500-600 वाला माइक है, उसमें भी ऐसी आवाज आपकी आ सकती है। और हाँ, मैं ऑडेसिटी की बात नहीं कर रहा, ऑडेसिटी में भी आप कर सकते हो और प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हो, लेकिन जो ओबीएस में आपको सेटिंग्स मिलेगी, प्लगइन्स मिलेंगे, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, मैंने अभी क्या किया, अपनी माइक की सारी सेटिंग्स डिलीट कर दी है, ताकि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और अपने कोई भी माइक को प्रोफेशनल बेस्ट माइक्स ऑडियो आउटपुट देने के लिए बना दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओबीएस के सेटिंग्स पे जाएंगे। ओबीएस के सेटिंग्स के जाने के बाद हमें सबसे पहले जाना है ऑडियो में। मैं जानता हूँ मेरी ऑडियो में बहुत फ़र्क आया होगा, हो सकता है कि क्लियर ना आ रहा हो, या क्लियर तो आ ही रहा होगा बट ज़्यादा लाउड होगा, वो बेस क्रिस्पीनेस नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली वीडियो में देखेंगे कितना चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले आपको ऑडियो सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे सैम्पल रेट आपको हमेशा 48 पे ही रखना है, और यहाँ पे ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस जितने भी यहाँ पे आपको डिसेबल करना है, और वो डिसेबल इसलिए करना है क्योंकि हम मैन्युअली ओबीएस में अपना माइक अपलोड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्स्ट आपको जाना है यहाँ पे प्लस साइन पे। प्लस साइन पे जाने के बाद आपको जाना है ऑडियो इनपुट कैप्चर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना माइक का नाम, जो भी माइक का नाम हो, या फिर नाम डाल दो माइक, माइक के नाम से आपको सिलेक्ट करो और ओके कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस पूछेगा कि कौन सा डिवाइस है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूएसबी माइक होना चाहिए ताकि ओबीएस डिटेक्ट कर पाए, तो यहाँ पे देखो जैसे यूएसबी पीएनपी ऑडियो डिवाइस है। जो ऊपर वाला माइक्रोफोन है वो मेरे ऑलरेडी लैपटॉप में इनबिल्ड है, बट वो मैं यूज़ क्यों करूँगा भाई, है ना। तो मैं माइक्रोफोन यूज़ करूँगा जो मैंने ऑलरेडी फाइफाइन का लिया हुआ है। अब इसको बेस्ट प्रोफेशनल वाला बनाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके दबाएंगे। यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे माइक के नाम से सिलेक्ट हो चुका है, बट ऑब्वियसली अगर मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैं ऑलरेडी माइक अपलोड कर चुका था। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा ओबीएस में माइक अपलोड हो चुका है। अब आती है फिल्टर्स की बारी, अपना माइक को बेस्ट बेसी और क्रिस्पीनेस देने की बारी। तो वीडियो तक बने रहिए एंड तक, और आपकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिएटर जी को। चलिए, सो गाइस, माइक की सेटिंग करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके पास एक हेडफोन जरूर होना चाहिए, बिकॉज जब हम सेटिंग्स करेंगे तो आपको अपनी आवाज जब सुननी है तो बहुत क्लैरिटी के सामने समझ में आएगा कि क्या आपका माइक में चेंज हो रहा है। जो भी आपका नॉइज आ रहा है, एक्सटर्नल नॉइज आ रहा है, एक बारी की भी जो नॉइज आती है ना, वो आपका हेडफोन्स पकड़ लेगा। बट डोंट वरी, अगर आपके पास हेडफोन्स नहीं है तो आप फोन के भी ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं अपनी आवाज सुनने के लिए। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए अभी हम सेटिंग स्टार्ट कर। सो ओके गाइस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपना हेडफोन्स या ईयरफोन्स अपने पीसी या लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे तो आप अपनी ही आवाज सुनना चाहेंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जो भी अपने माइक में बोलेंगे वो आपको अपने हेडफोन या ईयरफोन में सुनाई देना चाहिए। तो उसकी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। अब ओबीएस में जहाँ पे हमने अपना माइक डाला था वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे एडवांस ऑडियो ऑप्शन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे हमारा माइक दिख जाएगा, जैसे मेरा फाइफाइन का माइक है तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। उसके बाद ये ऑडियो मॉनिटरिंग पे जाके मॉनिटर एंड आउटपुट पे क्लिक करके ऑन कर देना है। इसके बाद हम जो भी अपने माइक के थ्रू बोलेंगे हम अपने हेडफोन्स पे अपनी ही आवाज़ सुन पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है माइक ऑप्शन पे। माइक ऑप्शन के बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद जाना है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे। अब कंप्रेसर क्या करता है, जैसे कि हम धीरे बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, अब मैं इतना धीरे बात कर रहा हूँ। कभी कभी होता है कि हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम धीरे बोलते हैं, जैसे कि तेरे को पता है। तो क्या होता है, ये मेरा लो आवाज़ है। अब मैं नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ या कोई स्केरी गेम खेल रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, हाँ! अब देखो कितना ज़्यादा, तो मतलब वो व्यूअर्स के लिए, कान के लिए अच्छा नहीं है, कान फट जाएगा यार व्यूअर्स का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 की जगह 4 पे क्लिक करना है, थ्रेशोल्ड को बिल्कुल 0 पे जाना है, एंड देन अटैक को आपको 4 मिली सेकेंड करना है, एंड देन रिलीज को
100 ms करना है। अब इसको यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो बिल्कुल रेड है वो पीक पे जा रहा है, बिल्कुल रेड से भी बिल्कुल फट के जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा अभी ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी धीरे बोलूँगा, तेरे को पता है क्या हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, तो ये ग्रीन पे है, जिसका मतलब जब मैं धीरे बोल रहा हूँ लेकिन वो होना चाहिए थोड़ा येलो के बीच में, मतलब -15 dB तक होना चाहिए जब मैं धीरे बोल रहा होता हूँ, और जब मैं हाई बोल रहा होता हूँ वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में होना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब आपको जैसे कि बात कर रहे हो, जैसे सबसे पहले आप धीरे बोलो, हेलो हेलो हेलो, तो अब जब धीरे बोलोगे तो ये आउटपुट गेन है, आपको ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये इस रेंज पे आ जाए, -15 की रेंज पे। अब धीरे धीरे आप धीरे बोलो और इसको गेन बढ़ाओ। मुझे पता नहीं मैंने क्या है, एंड राइट आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली परफेक्ट। तो ये -15 पे आ चुका है, लेकिन जब मैं वापस से नॉर्मल में बोलता हूँ या मैं ज़ोर से बोलूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पीक हो रहा है। अब उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड काम आएगा। अब थ्रेशोल्ड, अब नॉर्मली बोलो और थ्रेशोल्ड को लेफ्ट साइड में ड्रैग करते रहो, स्लाइड करते रहो, और जब वो -15 dB पे आ जाएगा दैट मीन्स आपका कंप्रेसर परफेक्टली काम कर रहा है। अब जैसे कि मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ और ये स्लाइडर को भी लेफ्ट कर रहा हूँ। अब देखिए कहाँ तक कम आता है, और कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा बढ़ा दो क्योंकि ये परफेक्ट। अभी थोड़ा सा और कम कर सकते हैं इसको, आई थिंक 40 इज़ परफेक्ट। अब आप बिल्कुल चिल्लाओ, देखो यहाँ से ऊपर नहीं गया है, दैट मीन्स अगर ये यहाँ से ज़्यादा नहीं जा रहा है तो तुम्हारी आवाज़ पीक नहीं हो रही, और पीक नहीं हो रही है तो फटेगी नहीं। और जैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, तो ये भी -15 की रेंज में है, और जब मैं चिल्ला रहा हूँ तो अब आपका परफेक्ट वॉइस सेटल हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब एक और फिल्टर कौन सा डालना है। अब आपको जाना है यहाँ पे, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, एक्सपेंडर पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हमें अपने लैपटॉप या कीबोर्ड पे टाइप करना है, तो हमारी कीवर्ड्स की आवाज़, टाइपिंग की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, राइट। अब मैं उसको दिखाता हूँ वो आपको कैसे करना है। सो एक्सपेंडर में भी हम सबसे पहले यही करेंगे, 2 की जगह हम कर देंगे 4, और थ्रेशोल्ड को इस बार हम राइट की जगह पूरा लेफ्ट ले जाएंगे, -60 dB। अटैक को हम करेंगे 2 ms, एंड रिलीज को हम करेंगे 100 ms। अब इसमें आउटपुट गेन को हमें नहीं छेड़ना है, बिकॉज हम ऑलरेडी आउटपुट गेन को छेड़ चुके हैं, अपनी जो हम धीरी आवाज़ है उसको हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब जो हमारी बड़ी हुई आवाज़ है उसको हमें कम करना है। जैसे कि अभी जैसे कि मैंने अपने माइक का जो सेंसिटिविटी था लो, उसको मैंने बहुत बढ़ा दिया है अपने कंप्रेसर से। अब एक्सपेंडर से क्या होगा, वो जो इतना माइक सेंसिटिव हो गया है, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ेगा, जैसे आपके रूम में घड़ी टिक टिक कर रही है, आप टाइप कर रहे हो, उसको कैसे छुपाना है वो मैं आपको बताऊँगा, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमें क्या करना है, अपने थ्रेशहोल्ड को बढ़ाना है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा और मैं अपने कीबोर्ड्स को टैप टैप करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि आवाज़ कब रुक रही है, ठीक है। मैं बिल्कुल चुप हूँ, मेरी घड़ी की आवाज़ टिक टिक हो रही है। अभी करते हैं स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने -10 थ्रेशोल्ड किया तो बहुत ग्रीन नीचे चला गया, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ रहा तो मैंने रेशियो को 2 की जगह थोड़ा 3 पे ले आया। अब आप अपने हिसाब से, ऑब्वियसली हर डिपेंड होता है माइक का, तो आपका भी थोड़ा चेंज होगा। ऊपर नीचे वैल्यूज पे मत जाइए, स्लाइडर पे जाइए, अपना यहाँ पे ग्राफ देखिए। अब जैसे कि मैं बिल्कुल चुप हूँ और मैं फिर से टाइपिंग करके दिखाता हूँ, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ फिर आपका ये ग्राफ पे ग्रीन आता है, राइट। ये आपका बिल्कुल सेंसिटिव जो माइक होता है उसको ठीक करता है। अब जो थर्ड फिल्टर है वो मैं आपको बताता हूँ, एक प्लगइन है वो बताता हूँ, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको डाउनलोड करिए और OBS में डालिए, और मैं आपको बताता हूँ कैसे अब अपनी आवाज में बेस और वो क्रिस्पीनेस लाना है, ठीक है। तो जैसे कि वेबसाइट का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, अब ये वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड VTS फॉर विंडोज। अगर आपका मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड करिए, विंडोज है तो विंडोज के लिए डाउनलोड करिए। जैसे कि ये डाउनलोड हो जाएगा,
उसके बाद आपको क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करने के बाद। एक बार OBS को बंद करके रिस्टार्ट कर देना ताकि वो प्लगइन प्रॉपरली चले। अब जब वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर से अपना OBS ऑन करो, फिर से वो फिल्टर सेटिंग्स पे जाना जैसे मैंने आपको बताया। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि आपका माइक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर्स पे जाएंगे। अब जैसे कि कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर ऑलरेडी हमने डाल दिया है, अब हम डालेंगे प्लगइन बेस वाला। तो यहाँ फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है VTS 2.x प्लगइन, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखो जगह जैसे प्लगइन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है मार्वल GEQ, वो मूवी वाला मार्वल नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर इक्वलाइजर आ गया। अब इसमें बेस कैसे बढ़ाना है वो मुझे आप कॉपी कर सकते हो। अभी जैसे कि मेरा फाइफाइन का माइक है, इसमें क्रिस्प बहुत अच्छी आवाज आती है, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है, लेकिन थोड़ा बेस कम है मेरे माइक में, तो मुझे बेस बढ़ाना है। अब कोई कोई माइक में क्या होता है, जैसे एक्सपेंसिव माइक्स होते हैं 10,000-20,000 के, उसमें ऑप्शंस होते हैं ऑलरेडी माइक के अंदर, आप मैनुअली बढ़ा सकते हैं, वो एक बटन होता है गोल सा। तो जैसे कि मेरे में नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें से करना पड़ेगा, और बहुत बेसिक माइक्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें प्रीसेट्स पे, या तो हम प्रीसेट्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है ब्राइटर एंड बेसी, ब्राइटर एंड बेसी पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं लो टोन्स, और जो राइट साइड है उसको बोलते हैं हाई टोन्स। बट जैसे कि मैंने बोला कि मेरी जो माइक है, बेसिक माइक्स में हाई टोन्स बहुत अच्छा होता है, तो ये मैं नीचे डिक्रीज कर दूंगा, मेरे को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर। लेकिन जो मेरा मिड टोन है, जो मिड टोन बीच वाला टोन है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो मेरा लो टोन है वो मेरे को बिल्कुल बूस्ट अप करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल ऊपर चला जाऊंगा, बिल्कुल ऊपर चला जाऊंगा ताकि मेरे आवाज़ में थोड़ा सा बेस आए। अभी धीरे धीरे आप जैसे देख रहे होंगे मेरी आवाज़ में बेस बढ़ती जा रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, आप ये बिल्कुल अपने माइक में ट्राई कर सकते हैं, ओवर मत करो। अब रिकॉर्ड करके बाद में अपने माइक का चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट दिखाया, पॉज करके कभी भी या डाउनलोड करके कुछ भी कर सकते हो। अब इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा बेस और वो थोड़ा सा अब बढ़ चुका है। अगर आपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स दोनों में कुछ भी पहना होगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगी। अगर आप लैपटॉप स्पीकर्स या नॉर्मल स्पीकर से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा उतना, बट वो क्रिस्टल क्लियर जो छोटी छोटी नॉइज, हिस नॉइज होती है, वो इतनी शायद समझ में नहीं आएगी। इसलिए रेकमेंडेड है कि हेडफोन्स या ईयरफोन्स के साथ ही आप करें। अब जो फोर्थ हमें डालना है वो डालना है नॉइज सप्रेशन। आपको भले ही आपके घर में नॉइज पोल्यूशन नहीं है या हॉर्न की आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक हिस छोटी सी साउंड होती है जो हर माइक पकड़ता है, तो उसी को हटाने के लिए हमें नॉइज सप्रेशन डालना है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो RN नॉइज होता है जो ऑटोमेटिक मोड होता है, और एक होता है स्पेक्स SPEXX। अब लेकिन हमें ऊपर वाला यूज करना है जो मैनुअल वाला है, क्योंकि जो नीचे वाला सेकेंड वाला है वो इतना अच्छा नहीं है। तो हमें यहाँ पे सप्रेशन पे अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारी आवाज भी बहुत दब जाएगी, जैसे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो नॉइज इतनी आपकी कम करेगा कि आपकी आवाज क्वालिटी भी गिरा देगा। इसलिए हमें राइट साइड पे जाना है ताकि हमारी आवाज भी अच्छी रहे और नॉइज भी हट जाए। तो ये आप अपने जैसे आपने पहना हुआ है, जैसे कि मैं सुन रहा हूँ अपनी ही आवाज, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे कितना करना है। आई थिंक मेरे लिए -15 स्कोप है। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नो नॉइज, कोई नॉइज नहीं आ रही है मुझे। लिमिटर, अब लिमिटर क्या करता है, जैसे कि आप स्ट्रीम कर रहे हो, ग्लास गिर गया, धम करके कुछ आवाज आ गई, बॉटल गिर गई, तो वो भी आप हाइड कर सकते हो। कैसे? लिमिटर के थ्रू। अब आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड है जो लिमिटर का, इसको आपको ज्यादा हाइट पे नहीं रखना है। आपको ये जो लिमिटर है आई थिंक इसको 1 पे रखेंगे, आप 1.20 पे रखेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपकी आवाज आएगी। तो गाइस, वीडियो की स्टार्ट में और एंड में मेरी आवाज़ में कितना फ़र्क आया ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो कोई भी बेसिक माइक हो, 400, 500 या 1000, 1200, 3000 का, आप इनको 20-30,000 तक के माइक का क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं। छोटी सी ट्वीक्स करनी पड़ती है, बट हाँ, लेकिन आपका भी आवाज़ प्रोफेशनल, बेसी और वो क्रिस्पनेस हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिएटर जी को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।